33 करोड़ देवी देवताओं में शामिल हुए एक और देवता। भक्तों ने योगी आदित्यनाथ को बना दिया भगवान। योगी का बनाया मंदिर, सुबह शाम होती है आरती। कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन अब 33 करोड़ देवी देवताओं में नए भगवान जुड़ गए हैं। नए भगवान का नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हां, वही योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, वही योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ धाम के महंत हैं। अब उन्हीं योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है। मंदिर को भगवा रंग से पुताया गया है। अंदर योगी की मूर्ति है जिसके हाथ में धनुष है और कमर के पीछे तीर बंधे हैं। यूपी चुनाव में जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जैसे भजन गाने वाले भक्तों ने अब योगी को ही राम का अवतार बना दिया है। देश भर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाखों समर्थक हैं और उनके समर्थक कई बार अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं। कोई उनका लुक धारण कर चुका है तो कोई अपने शरीर पर टैटू गुदवा चुका है, लेकिन इस बार एक समर्थक ने दीवानगी की सारी हदें पार कर दी हैं। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर ही बनवा दिया। इस मंदिर में सीएम योगी का बाकायदा किसी भगवान की तरह पूजा पाठ होता है और उनके भजन आरती गाए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर राजमार्ग पर भरतकुंड के करीब मोरिया का पूर्वा गांव में है। गांव के रहने वाले प्रभाकर मौर्य ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये मंदिर बनवाया है। बहुजन समाज के लोग तो वैसे भी भक्ति का रिकॉर्ड बनाने में सबसे आगे हैं, और अब प्रभाकर मौर्य ने भक्ति के इतिहास में अपना नाम खुद ही स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है। पेशे से भजन गाने का काम करने वाले प्रभाकर मौर्य योगी के कट्टर समर्थक हैं। वैसे उन्हें ये तो पता ही होगा कि उनकी जाति के लोग किसी हिंदू मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते, इसलिए शायद उन्होंने खुद ही अपना मंदिर बना लिया, खुद ही एक नया भगवान भी बना लिया और खुद ही पुजारी भी बन बैठे। खैर, भक्ति जो ना करा दे, भक्तों की महिमा अपरंपार है और भक्तों के काम निराले हैं। भारत में व्यक्ति पूजा हमेशा से होती आई है और योगी आदित्यनाथ का मंदिर उसी का सबूत है। मुमकिन है जल्द ही यहाँ योगी चालीसा, योगी व्रत, योगी कथा और योगी कलश यात्रा निकलते हुए भी दिखाई दे। गुंजाइश तो इस बात की भी है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, ये भगवान भी अन्य भगवानों की तरह मान्यता प्राप्त भगवान घोषित हो जाएंगे और फिर मार्केट में नए भगवान की पूजा और व्रत होंगे, नई नई कहानियां होंगी। प्रभाकर मौर्य अगर अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाते तो उनके बच्चे कहीं विदेश में जाकर पढ़ सकते थे, कहीं बड़े अफसर बन सकते थे, लेकिन अब योगी के मंदिर के बाहर उनके बच्चे शायद चमत्कार की उम्मीद में सेवा कर रहे होंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।